हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब? तो स्टार्ट करते हैं सेकेंड लेसन जो है एसॉप्स फेबल। इसके पहले हमने पढ़ा था रेन इन द नाइट। इसके पहले हमने पढ़ा था रेन इन द नाइट। तो ये अगर वीडियो नहीं देखे तो आप देख लेना, ठीक है? डिस्क्रिप्शन में लिंक है। तो हम पढ़ेंगे अभी एसॉप्स फेबल। एसॉप जो है ये आदमी है, इसका नाम एसॉप्स है। ये इसकी कहानियाँ हैं, इन्होंने बहुत सारी कहानियाँ सुनाई थी जो हम अपनी लाइफ में यूज़ करते हैं, जिससे हम कुछ सीखते हैं। तो पढ़ते हैं। तो अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लेना। तो ये लेसन है क्लास 4 से, इंग्लिश बाल भारती से। तो पढ़ते हैं। फेबल्स आर शॉर्ट स्टोरीज दैट हैव अ मॉरल और मैसेज फॉर अस। फैबल्स जो होते हैं वो छोटी छोटी कहानियां होती हैं जो कुछ सीख देती है। मॉरल यानी सीख देना, मैसेज यानी कुछ संदेश देना, जो हमें कुछ संदेश देती है, कुछ सिखाती है। समथिंग टू लर्न एंड कीप इन माइंड एज वी ग्रो अप। जैसे जैसे हम बढ़ते हैं, बड़े होते हैं, इसे हम अपने माइंड में हमें रखना है। ये हमें सिखाती है कहानियाँ, क्योंकि बहुत कुछ। मोस्ट ऑफ द फैबल्स हैव एनिमल कैरेक्टर्स हु थिंक एंड एक्ट जस्ट लाइक ह्यूमन बींग। मोस्ट ऑफ द फैबल्स यानी बहुत सी ऐसी कहानियां हैं जो हैव एनिमल्स कैरेक्टर, जो एनिमल कैरेक्टर यानी जानवरों पे आधारित हैं। उन वो जानवर जो हमारे जैसे सोच सकते हैं, एनिमल कैरेक्टर हु थिंक एंड एक्ट जस्ट लाइक ह्यूमन बींग। ऐसे एनिमल जो हमारी तरह सोच सकते हैं, बोल सकते हैं, ठीक है, उस तरीके के जानवरों से आधारित है, उसी पे बनी हुई है कहानियाँ। तो इट इज बिलीव दैट मैनी ऑफ द फैबल्स वेयर फर्स्ट टोल्ड बाय वाइस पर्सन कॉल्ड एसफ। तो इट इज बिलीव दैट मैनी ऑफ द फैबल्स, बहुत सारी ऐसी मान्यता है कि बहुत सारी कहानियां जो है, वेयर फर्स्ट टोल्ड, जिसे पहली बार किसने कहा था, बाय अ वाइस पर्सन। वाइज यानी अच्छा इंसान, वाइस पर्सन कॉल्ड एसफ। तो इन्होंने कहा था एसफ, ठीक है, इनका नाम है। तो एसॉप्स लिव्ड हंड्रेड्स ऑफ ईयर अगो, 100 सालों पहले, ठीक है, सैकड़ों सालों पहले एक ऐसे एक इंसान था जिन्होंने कुछ कहानियां कही थी। हंड्रेड्स ईयर्स अगो इन अ कंट्री कॉल्ड ग्रीस। ये कहाँ रहते थे? ग्रीस में। तो इन्होंने सैकड़ों साल पहले कुछ कहानियां कही थी। ही स्टोरीज बिकम सो पॉपुलर दैट पीपल पास्ड देम ऑन फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन। इन्होंने जो कहानियां कही थी वो बहुत ही पॉपुलर यानी प्रसिद्ध, यहाँ लिखा है पॉपुलर, प्रसिद्ध थी, जो लोग जनरेशन टू जनरेशन, पीपल पास्ड देम, जो लोग पास करते गए यानी अपने बाद और भी लोगों को सुनाते गए, फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन, यानी कि बच्चे, उन्होंने अपने बच्चों को सुनाया, उनके बच्चों ने अपने बच्चों को सुनाया, इस तरह से जनरेशन टू जनरेशन पास होते गए वो कहानियां जो इन्होंने सुनाई थी, ठीक है। मैनी प्रोवर्ब्स एंड सेइंग दैट वी यूज टूडे आर बेस्ड ऑन दिस फेबल्स। प्रोवर्ब्स यानी कि कहावतें, जो बहुत सी कहावतें हैं जो आज भी हम कहते हैं, वो कहाँ से ली गई हैं? इनके कहानियों में से ली गई हैं, ठीक है। हियर आर टू वेल नोन फेबल्स, यहाँ पे दो बहुत ही प्रसिद्ध कहानियाँ दी गई हैं। फर्स्ट कहानी है द स्टेक एट द पुल। पुल यानी कि जहाँ पे पानी होता है ना जमा, ऐसी जगह, वहां पे कौन है? स्टेक यानी कि बारहसिंगा है। वन डे अ ब्यूटिफुल स्टेक कम टू अ पुल ऑफ क्लीन वाटर, साफ पानी का एक पुल है, वहां पे कौन गया है? बहुत ही सुंदर स्टेक यानी बारहसिंगा, पानी पीने के लिए। एज ही बेंट डाउन टू ड्रिंक, जैसे ही वो पानी पीने के लिए नीचे झुका, ही सो हिज ओन रिफ्लेक्शन, उसने अपने खुद के रिफ्लेक्शन यानी अपने प्रतिबिंब को पानी में देखा, इन द वॉटर, ठीक है, पानी में देखा। ही सो डिलाइटेड यानी बहुत खुश हुआ वो, ही वॉज डिलाइटेड विथ वॉट ही सो, जो भी उसने देखा उसे देख के वो बहुत खुश हुआ। इंस्टेंट ऑफ ड्रिंकिंग वाटर, पानी पीने के बजाय, इंस्टेंट यानी उसके बजाय, इंस्टेंट ऑफ ड्रिंकिंग वाटर ही कैप्ट लुकिंग एट हिज ओवन रिफ्लेक्शन, वो अपने ही प्रतिबिंब को देखता रहा, कैप्ट लुकिंग यानी देखता रहा, पानी पीने के बजाय वो अपने आप को ही देखता रहा। जैसे यहाँ पे देखिए इस चित्र में है, देखिए ये पानी पी रहा है और ये अपने आप को ही देख रहा है। तो हाउ हैंडसम आई लुक, उसने कहा मैं कितना सुंदर दिखता हूँ। ही सेड टू हिमसेल्फ, अपने आप से कहा उसने, हाउ ब्यूटीफुल आर देयर कर्विंग एंटलर्स, यानी मेरे घुंघराले, जो कर्विंग यानी घुंघराले, एंटलर्स यानी सिंग, कितने सुंदर दिखते हैं। देखिए इसके सिंग है ना थोड़े घुंघराले टाइप,
तो वो देख के वो बहुत खुश हुआ और कहा कि मैं बहुत ही सुंदर दिखता हूँ, मेरे सींग बहुत सुंदर है। हाउ दे एड टू माई ब्यूटी, ये मेरी सुंदरता को बढ़ा रहे हैं। हाउ दे एड टू, यानी बढ़ा रहे हैं, मेरी सुंदरता को बढ़ा रहे हैं। एड टू माई ब्यूटी, हाउ ग्रेसफुल दे लुक, ये कितने अच्छे दिखते हैं। ठीक है, ऐसा उसने कहा, ग्रेसफुल यानी अच्छे दिखना। देन ही मूव्ड नियरर, तो उसके बाद वो और थोड़ा नजदीक गया। एंड सॉ हिज लेग्स, उसके बाद उसने अपने पाँव पाँव देखे पानी में, रिफ्लेक्टेड इन द पूल, जो पानी में रिफ्लेक्ट कर रहे थे। देखिए, अपने पाँव को देखा, उसके बाद क्या कहा, उसके बाद कहा ही वॉज क्वाइट डिस्गस्ट, यानी वो थोड़ा दुखी हुआ, चिंतित हुआ, मतलब निराश हो गया। ही वॉज क्वाइट डिस्गस्ट, यानी थोड़ा सा वो दुखी हुआ, निराश हुआ। लुक एट माई लेग्स, ओह, उसने कहा, देखो जब तो जरा मेरे पाँव, ओह दे आर सो अगली, ये कितने बदसूरत हैं, अगली यानी बदसूरत। ऑल स्पिंडली विथ स्मॉल फिट, यानी कितने पतले लंबे और छोटे पाँव के साथ, ये जो है ना पाँव नीचे होता है ना फिट, यहाँ पे देखिए इस यहाँ पर, तो ये बोल रहा है कि कितने छोटे पाँव हैं और पतले लंबे पाँव हैं, बदसूरत से, तो ऐसे कह रहा है वो। ऑल स्पिंडली विथ स्मॉल फिट, हाउ आई विश दैट नेचर हैड गिवन मी लेग्स वर्थी ऑफ माई स्टेटली एंटलर्स, जो नेचर है प्रकृति ने कैसे मतलब पाँव दिए, मेरे सींग इतने सुंदर दिए हैं, बहुत ही आलिशान सींग दिए मुझे, और पाँव ऐसे बदसूरत से दिए, मतलब मेरे आलिशान सींगों के हिसाब से मुझे पाँव नहीं मिले मेरे, तो वह ऐसे कह रहा है। एज ही वॉज ब्रूडिंग इन हीज वे, जब वो सोच ही रहा था, ऐसा ब्रूडिंग यानी सोचना, तो वो जब पानी पीते हुए सोच ही रहा था ये सब, तो द स्टैग हर्ड एन एरो गोइंग स्विश अक्रॉस द पुल, तो उसे क्या सुनाई दिया, एरो यानी तीर, जो होता है ना तीर का, तीर की आवाज सुनाई दी, गोइंग स्विश अक्रॉस द पुल, जो उसके पुल के पास से ही गुजरा, तो उसे वो सुनाई दिया। एट द सेम टाइम, उसी समय ही पिक्ड अप द सेंट ऑफ हंटर्स, उसी समय उसे शिकारी की खुशबू आई, सेंट यानी कि खुशबू आना, हंटर यानी शिकारी, शिकारी की खुशबू उसे आई। विथ अ क्विक टर्न, बहुत ही जल्दी फिर ही बाउंडेड अवे, वो वहां से भाग गया, बाउंडेड अवे यानी भाग गया। हिज लेग कैरिड हिम स्विफ्टली इन टू द फॉरेस्ट, उसके पाँव ने उसे उसे वहां से लेके गया, स्विफ्टली यानी बहुत ही तेजी से, इन टू द फॉरेस्ट, फॉरेस्ट एंड जंगल में, उसके पाँव पैरों ने ही उसकी मदद की ना भागने में, तो वो अपने पाँव से बहुत ही तेज वहां से जंगल के अंदर भाग गया। द हंटर वेयर वेयर हॉट ऑन हिज ट्रेल, बट दे वर नो मैच फॉर हिज स्पीड। द हंटर वेयर हॉट ऑन हिज ट्रेल, ट्रेल यानी कि पैरों की निशान, ठीक है, बट दे वर नो मैच फॉर हिज स्पीड, तो वो उसके पैरों की निशान के पीछे पीछे, जो हंटर है शिकारी, वो इस हिरन के पीछे पीछे भागने लगा, ठीक है, तो लेकिन वो उसे मैच नहीं कर पाया, उसकी स्पीड और इसकी स्पीड में अंतर था ना, क्योंकि हिरन तो बहुत फास्ट भागता है, तो वो इतनी फास्ट भाग नहीं पाया। सून द स्टेग लेफ्ट हंटर फार बिहाइंड, तो बहुत ही जल्दी स्टेग ने, स्टेग यानी कि हिरन, मेल हिरन, ठीक है, उसने उसे पीछे छोड़ दिया हंटर को। हंटर फार बिहाइंड, फार बिहाइंड यानी बहुत ही पीछे, तो उसे बहुत ही पीछे छोड़ के वो आगे भाग गया, काफी आगे। सेफ एंड आउट ऑफ द हंटर्स रीच, सेफ यानी सुरक्षित, कहाँ, हंटर की पहुंच से, हंटर्स रीच यानी हंटर की पहुंच से बहुत ही सेफ, सुरक्षित चला गया वो बहुत आगे। द स्टेक स्लोली डाउन, स्टेक थोड़ा सा स्लो हो गया। सडनली विदाउट रियलाइजिंग इट ही वॉक्ड इन टू अ थिकट, सडनली यानी अचानक, विदाउट रियलाइजिंग यानी कि उसे पता नहीं चला, रियलाइज नहीं हुआ इट, ही वॉक्ड इन टू अ थिकट, थिकट यानी झाड़ी, ठीक है, वो झाड़ियों में चला गया। देयर वर ट्रीज विथ स्ट्रॉन्ग ब्रांचेस, एक पेड़ था बहुत ही मजबूत, उसकी डालियां थी, ब्रांचेस है ना डाली, ग्रोइंग क्लोज टूगेदर, जो बहुत ही नजदीक नजदीक ग्रो कर रही थी, बढ़ रही थी, इसलिए वो झाड़ी टाइप बन गई थी। एंड आल्स द सेम एंटलर्स ऑफ विच ही वॉज सो प्राउड गॉट कैच इन द थिक ग्रोथ, तो उसके जो सींग जिसपे उसे बहुत गर्व था, वो कहाँ फंस गए, झाड़ियों में, देखिए ये जो झाड़ियां हैं उसमें फंस गए। द स्टैग ट्राइड टू शेक हिमसेल्फ फ्री, उसने शेक किया, शेक यानी अपना सिर हिलाया, अपने आप को हिलाया ताकि वो बाहर निकल सके उससे, बट द मोर ही स्ट्रगल ही मोर
इंटेंगल, इंटेंगल यानी फंस जाना। तो जितना वो स्ट्रगल कर रहा था, जितना वो हिल रहा था अपने आप को निकालने के लिए, स्ट्रगल कर रहा था, द मोर इंटेंगल हिज एंटलर्स गॉट इन द ब्रांचेस, उसके जो सींग थे, एंटलर्स यानी सींग थे, वो और ज्यादा उसमें फंस जा रहे थे उस झाड़ियों में। वंस अगैन द स्टैग कुड हियर द हंटर्स ड्रॉइंग क्लोज, तो उसने फिर से एक बार आवाज सुनी हंटर की, हंटर यानी शिकारी की आवाज सुनी जो उसके और करीब आ रहा था। तो वो उसके और करीब आ रहा था, एंड ग्रो अफ्रेड यानी वो बहुत ही डर गया। एट लास्ट विथ ग्रेट डिफिकल्टी, और बहुत ही मुश्किल से, बड़ी ही मुश्किल से, ही मैनेज टू फ्री हिज एंटलर्स एंड बाउंडेड अवे, तो उसने मैनेज किया, मतलब बहुत ही मुश्किल से वो अपने आप को आज़ाद कर पाया, फ्री यानी कि आज़ाद कर पाया अपने एंटलर्स को यानी सिंग को, एंड बाउंडेड, बाउंडेड यानी कि भाग जाना, बाउंडेड अवे यानी बहुत तेजी से वहाँ से भागा अपने आप को आज़ाद करके। आई रियलाइज नाउ दैट माई अगली फिट सेव्ड माई लाइफ, तब उसे एहसास हुआ कि मेरे जो बदसूरत पैर थे, जिसे वो बदसूरत कह रहा था, उसी ने उसकी जान बचाई। आई वॉज सो प्राउड ऑफ दिस हैंडसम एंटलर्स, मैं अपने बहुत ही सुंदर आलिशान जो सिंह है, जो सुंदर सिंह है, उस पर बहुत ही गर्व कर रहा था, उसने कहा। आई वॉज सो, मैं कितना गर्व कर रहा था, आई वॉज सो प्राउड, प्राउड यानी गर्व करना, दिस हैंडसम एंटलर्स, बहुत ही सुंदर अपने सिंह पे, बट दे वुड हैव बीन द कॉज ऑफ माई डेथ, बट लेकिन दे वुड, ये मेरे बन सकते थे क्या, दे हैव बीन द, दे वुड हैव बीन द कॉज ऑफ माई डेथ, याद मेरी मृत्यु का कारण बनते, कॉज यानी कि कारण, तो डेथ यानी मृत्यु, तो आज ही मेरे सिंह मेरी मृत्यु का कारण बन जाते हैं। वेरी ऑफन यानी कि, ऑफन यानी अक्सर, वेरी ऑफन वी डिसलाइक, अक्सर करके हम जिसे डिसलाइक यानी कि जो पसंद नहीं करते हैं, द वेरी थिंग्स दैट आर मोस्ट यूजफुल टू अस, तो ऐसी बहुत सी चीज़ें हैं जिसे हम अक्सर करके पसंद नहीं करते, बट वही हमारे बहुत काम आती है। तो इस कहानी का मॉरल यही था, इस कहानी का मॉरल यही था कि अक्सर हमें जो चीज़ पसंद नहीं आती वही हमारे बहुत काम आती है। तो हमें सिर्फ सुंदरता पे नहीं जाना चाहिए किसी भी चीज़ की, कि वो कैसा है, बट वो हमारे कितने क्या काम में आ रहा है उसे भी ध्यान में रखना है हमें, ठीक है। दूसरी कहानी है द डॉग इन द मैंजर। वंस अ डॉग वॉज लुकिंग फॉर अ नाइस एंड कम्फर्टेबल प्लेस टू लाई डाउन, तो एक दिन एक कुत्ता था, वो बहुत ही कम्फर्टेबल यानी आराम के साथ सोने के लिए जगह ढूंढ रहा था, लाई डाउन यानी कि सोना, आराम करना, तो एक बहुत ही कम्फर्टेबल जगह ढूंढ रहा था। He came to the manger of an ox and jumped onto the hay to rest. तो आराम के लिए उसे क्या दिखाई दिया, एक ox, ox यानी बैल, उसका उसका घर, उसका बाड़ा, जो जहाँ वो रहता है। तो he came to the manger of an ox, ox का जो manger होता है, manger क्या होता है, जहाँ पे जो ox होता है उसका खाना रखा जाता है, जैसे ये देखिए यहाँ पे ये जो है ना box, इसके अंदर इसका खाना है बैल का, तो इसे कहते हैं मैंजर। तो उसके ऊपर वो कूद गया, ठीक है, उसके ऊपर आराम करने के लिए आ गया। तो ही केम टू द मैंजर ऑफ एन ऑक्स एंड जम्प्ड इनटू द हे, हे यानी कि खाना, जो इसका ये जो खाना है ना, जो ऑक्स खाता है, जो घास जैसा है, उसे हे कहते हैं, ठीक है। इसके ऊपर वो, क्योंकि वो नरम नरम होता है ना, सॉफ्ट, तो उसे बहुत ही अच्छा लग रहा था, तो उसके ऊपर कूद गया उसे आराम करने के लिए, उस पर हे टू द रेस्ट, ठीक है, जम्प्ड ऑन टू द Hey to the rest, उसके ऊपर जंप करके वो रेस्ट करने लगा। It was a very hot afternoon, दोपहर का समय था, बहुत गर्मी थी। After a while, कुछ समय बाद, the ox returned from the field, field यानी कि खेत से, ox यानी बैल वापस आया। He had worked hard in the hot sun and was now quite hungry, उसने बहुत मेहनत की थी। He had worked hard यानी उसने बहुत ही मेहनत किया था, in the hot sun यानी गरम धूप में, गर्मी में, एंड वॉज नाउ क्वाइट हंग्री, और उसे थोड़ी भूख लगी थी। ही स्टूड इन हिज स्टॉल, स्टॉल यानी कि उसका बाड़ा, जहाँ वो रहता है बैल, उसे स्टॉल कहते हैं। ही स्टूड, खड़ा हो गया, स्टूड यानी खड़ा होना, इन हिज स्टॉल एंड वॉज प्लानिंग टू ईट द हे दैट वॉज पुट इन द मैंजर फॉर हिम, तो उसने क्या प्लानिंग किया, सोचा कि अब कुछ खा लेता हूँ। ही स्टूड in his stall and was planning to eat the hay that was put in the manger for him,
तो उसने प्लानिंग किया कि अब मैं जाके अपने खाना खा लेता हूँ जो मेरे मेंजन में रखा हुआ है। हाउएवर व्हेन ही रीच फॉर द हे द डॉग सॉ हिम। जैसे वो अपने मैनेजर के पास पहुंचा, यहाँ पर पहुंचा खाने के लिए, वैसे डॉग ने इसे देख लिया। उसके बाद क्या हुआ? हाउएवर व्हेन ही रीच फॉर द हे द डॉग सॉ हिम स्टैंडिंग इन द मैनेजर ही बिगन टू बार्क लाउडली एट द ऑक्स। बार्क यानी भौंकना, लाउडली यानी जोर से। तो स्टैंडिंग इन द मैनेजर, खड़े हो गया मैनेजर के ऊपर, खड़े होकर वो ही बिगिन बिगिन यानी शुरू कर दिया। क्या करना शुरू किया? टू बार्क लाउडली एट द ऑक्स, ऑक्स यानी बैल के ऊपर जोर से भौंकना शुरू कर दिया। ईच टाइम दैट द ऑक्स कैम नियर द हे द डॉग स्नार्ल्ड बार्क्ड एंड स्नैप्ड एट द ऑक्स। यानी कि जब जब वो नज़दीक आता था हे खाने के लिए, अपना हे यानी चारा, चारा खाने के लिए, द डॉग स्नार्ल्ड यानी डॉग स्नार्ल्ड करता था यानी गुर्राता था, बार्क यानी भौंकता था, और स्नैप्ड यानी कि उसके थोड़ा नज़दीक आता था, जैसे गुस्से में आगे बढ़ता था, ठीक है, एट द ऑक्स, ऑक्स के पास, ठीक है। ही वुड नॉट अलाउ द ऑक्स टू ईट हिज हे, तो वो अलाउ नहीं कर रहा था, मतलब उसे खाने नहीं दे रहा था उसका चारा, जो डॉग था वो। ऑक्सन आर जनरली पीस लविंग एंड पेशेंट एनिमल। ऑक्सन यानी कि ऑक्स का प्लूरल ऑक्सन है, यानी कि बैल जो होते हैं वो बहुत ही जनरल यानी अक्सर पीस लविंग यानी कि शांत और प्यारे, मतलब बहुत ही प्यारे होते हैं, एंड पेशेंट यानी कि बहुत ही सब्र उनमें होता है, पेशेंट एनिमल्स, ठीक है, तो उनमें बहुत ही प्यार, शांति और सब्र होता है बैल में, ठीक है। बट फाइनली द ऑक्स गॉट अपसेट एंड स्पोक फर्मली। आखिर फाइनली वो थक गया, जो ऑक्स था उसने कहा, बहुत ही दुखी हो गया, अपसेट यानी दुखी हो गया, एंड स्पोक फर्मली यानी उसने कहा, और आखिर में वो बहुत ही दुखी होके उसने कहा, दृढ़ता से कहा, फॉर्मली ने दृढ़ता से कहा, स्पोक यानी कहा, क्या कहा उसने, बैल ने, डॉग इफ यू वॉन्टेड टू शेयर माई डिनर विथ मी आई वुड नॉट माइंड इट। यानी कि डॉग को कहा कि अगर तुम मेरे साथ ये खाना शेयर करना चाहते हो तो मुझे कोई एतराज़ नहीं है, तुम कर सकते हो, ओके, बट यू नेदर ईट द हे नॉर अलाउ मी टू इंजॉय इट। ना तुम खुद खा रहे हो, नेदर यानी ना खा रहे हो, ठीक है, नेदर ईट यानी ना खुद खा रहे हो, नॉर अलाउ मी और ना मुझे खाने दे रहे हो, ठीक है, टू इंजॉय इट यानी कि इसे ना खुद खा रहे हो ना मुझे खाने दे रहे हो। इट इज ऑफ नो यूज टू यू, आखिर इसका कोई मतलब नहीं है, इट इज़ ऑफ नो यूज टू यू, तुम्हें भी इसका कोई फ़ायदा नहीं है, देन वाई डोंट यू लेट मी हैव माई फेवरेट फूड, तो मुझे क्यों खाने नहीं दे रहे हो, मतलब ये तुम्हारे कुछ काम का नहीं है, ये नहीं है, क्योंकि कुत्ता क्या है, ये खाता नहीं है घास, है ना, तो बोल रहा है इसका कुछ काम नहीं है, तो इसका कुछ फ़ायदा नहीं है, तो तुम मुझे क्यों नहीं खाने दे रहे हो, ऐसे ये कह रहा है। देन वाई डोंट यू लेट मी हैव माई फेवरेट फूड, डोंट बैगरज, बैगरज यानी कि जलन, यानी जलना किसी से, ठीक है, ईर्ष्या की भावना रखना, डोंट बैगरज अदर्स वॉट यू डोंट इन्जॉय योर सेल्फ, मतलब जो तुम्हें खुद नहीं चाहिए उसके लिए उसे दूसरों को भी नहीं देना, तो ईर्ष्या की भावना से, तो ये कह रहे हैं, ये बैल कह रहा है कि ऐसा नहीं करना चाहिए, ठीक है, क्योंकि घास कुत्ता तो खाता नहीं है, तो ये खुद भी नहीं खाएगा और ये खाने भी नहीं दे रहा है, तो ये गलत है, तो ऐसे हमारे लाइफ में भी कई बार होता है, तो इसके लिए हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। इस कहानी से हमें क्या सीख मिली कि जो चीज़ हमारे खुद काम की नहीं है उसे ऐसा, मतलब जैसे ये डॉग ने किया ना, तो ऐसे हमें नहीं करना है, ठीक है। तो आगे देखते हैं कुछ वर्ड्स एंड मीनिंग है। स्टैग का मीनिंग होता है, अब होता है स्टैग यानी अ मेल डियर, ठीक है, डियर होता है ना हिरन, तो मेल हिरन को कहते हैं स्टैग। दूसरा है स्पिंडली, स्पिंडली यानी वेरी लॉन्ग एंड थीन, थीन यानी लंबा और पतला, थीन यानी पतला, लॉन्ग यानी लंबा। स्टेटली, स्टेटली यानी ग्रैंड, ग्रैंड यानी कि भव्य, ठीक है, आकर्षक, आलिशान। ब्रूडिंग, ब्रूडिंग यानी सोचना। थिंकिंग सैडली फॉर अ लॉन्ग टाइम यानी कि दुखी होकर लंबे समय तक सोचना, उसे कहते हैं ब्रूडिंग। हॉट ऑन हिज ट्रेल यानी वेरी क्लोज टू हिम यानी बहुत ही नज़दीक, ठीक है, ट्रेल यानी पाँव के जो पद चिन्ह होते हैं ना उसे भी कहते हैं, तो इसका मतलब है वेरी क्लोज टू हिम अबाउट टू कैच हिम यानी कि पकड़ने के काफ़ी क्लोज, नज़दीक यानी कि बहुत ही नज़दीक, जहाँ से हम तुरंत पकड़ सकें,
उसे कहते हैं हॉट ऑन हिज ट्रेल, यानी उसके काफी करीब। थिकेट, थिकेट यानी व्हेन मैनी ट्रीज, यानी बहुत सारे जब पेड़, बुशेस यानी कि झाड़ियाँ, जो छोटे छोटे पेड़ होते हैं ना, पेड़ नहीं होते एक्चुअली, पौधे टाइप होते हैं वो, एक्सेट्रा और भी, ग्रो क्लोज टुगेदर, जब बहुत सारी झाड़ियाँ पेड़ पौधे एक साथ नज़दीक नज़दीक ग्रो होते हैं, ग्रो क्लोज टुगेदर दे फॉर्म अ थिकट, वो एक थिकट बन जाते हैं। ठीक है। मैंजर, मैंजर यानी कि लॉन्ग ओपन बॉक्स इन अ कैटल शेड, यानी कि जो कैटल होते हैं जिसमें खाना खाते हैं उसे बोलते हैं मैंजर, यानी कि ये बॉक्स जो है ना जिसके अंदर हे रखा है यानी कि चारा रखा है, तो इस बॉक्स के कहते हैं मैंजर। तो कैटल ईट हे, ओके, मैंजर लॉन्ग ओपन बॉक्स इन अ कैटल शेड, कैटल ईट हे कैप फॉर देम इन द मैंजर। ठीक है। जो कैटल्स होते हैं यानी कि ये जो पालतू जानवर हैं उनको खाने के लिए जो चारा जिसमें रखा जाता है उसे बोलते हैं मैंजर। हे यानी चारा, कट एंड ड्राइड ग्रास यानी कि कटा हुआ और सूखा हुआ, ड्राई यानी सूखा हुआ ग्रास यानी घास, यूज्ड एज फूड फॉर एनिमल, जो एनिमल को खाने की तरह खिलाया जाता है। स्टॉल, स्टॉल यानी पार्ट ऑफ अ कैटल शेड और स्टबल, जनरली ईच एनिमल हैज वन स्टॉल फॉर इटसेल्फ, यानी कि स्टॉल यानी कि उसके लिए जो थोड़ी जगह बनी होती है जहाँ वो लोग रहते हैं, ये जो कैटल से वो रहते हैं, ऐसी जगह को बोलते हैं स्टॉल। ठीक है। पार्ट ऑफ अ शेड ऑफ स्टबल, स्टबल का एक छोटा सा पार्ट, उसे कहते हैं स्टॉल। ओके। बिग ग्रज यानी कि बी अनविलिंग टू गिव, यानी जो कुछ किसी को देना नहीं चाहता, ऐसे इसे कहते हैं बिग ग्रज। बी अनहैप्पी दैट समवन इज गेटिंग समथिंग, बहुत ही दुखी होना, अगर किसी को कुछ मिल जाए तो दुखी होना, यानी ईर्ष्या करना, बिग ग्रज यानी कि ईर्ष्या। ओके। आइए बच्चों इसके क्वेश्चन आंसर्स भी देखते हैं। तो फर्स्ट है, देखिए, नेम द पर्सन हु फर्स्ट टोल्ड दिस फेबल्स, इस कहानी को पहले किसने कहा था। तो आंसर है एसोप्स इज द नेम ऑफ द पर्सन हु फर्स्ट टोल्ड दिस फेबल्स। ओके। सेकेंड क्वेश्चन है, व्हाट डिड द स्टेक लाइक अबाउट हिमसेल्फ, व्हाई, स्टेक को यानी बारासिंगा को अपने अंदर क्या अच्छा दिखता था और क्यों। तो आंसर है द स्टेक लाइक हिज कर्विंग एंटलर्स, यानी घुंघराले उसके सींग उसे बहुत पसंद थे, बिकॉज दे मेड हिम लुक हैंडसम, क्योंकि उसकी वजह से वो बहुत सुंदर दिखता था। उसके बाद है, व्हाट डिड द डॉग डू व्हेन द ऑक्स वेंट नियर द मैंजर, यानी डॉग जब ऑक्स मैंजर के करीब आता था तो डॉग क्या करता था। तो आंसर है द डॉग बिगन टू बार्क लाउडली, जोर से भौंकता था व्हेन द ऑक्स वेंट नियर द मैंजर। ओके। राइट द मैसेज ऑफ ईच ऑफ दिस टू स्टोरीज, ये दोनों स्टोरी से आपको क्या मैसेज मिला वो बताना है। तो फर्स्ट हमें लिखना है द स्टेक एट द पोल, ये स्टोरी का नाम है फर्स्ट, उसे हमें क्या मिला मैसेज, वी शुड नॉट डिसलाइक थिंग्स दैट डोंट लुक प्रिटी बिकॉज दे आर ऑफन मोर यूजफुल टू अस, यानी जो चीज़ सुंदर नहीं दिखती है हम उसे पसंद नहीं करते, तो ज़रूरी नहीं कि जो सुंदर नहीं हो वो काम की चीज़ ना हो, अक्सर करके जो अच्छी नहीं दिखती फिर भी हमारे बहुत काम आती है। ठीक है। सेकेंड स्टोरी है द डॉग इन द मैंजर, ठीक है, मैंजर के ऊपर जो डॉग बैठा है ना दूसरी स्टोरी में, उसके बारे में है। तो उसकी उसका मॉरल है वी शुड नॉट बिग्रट, यानी कि जेलेसी बिग्रट अदर्स वॉट वी डोंट इंजॉय आवर सेल्फ, यानी जो हमें नहीं चाहिए हमें पसंद नहीं है हम दूसरों को भी ना दे, तो ऐसा हमें नहीं करना है, क्योंकि जलन की भावना से कभी कभी ऐसा होता है, तो जो चीज़ हमें नहीं पसंद है ज़रूरी नहीं कि दूसरों को भी पसंद नहीं है। तो इस कहानी से हमें ये समझा कि हमें जलन की भावना नहीं रखनी है। ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन है रीड अलाउड द फॉलोइंग स्पीचेस फ्रॉम द लेसन, सिर्फ हमें पढ़ना है व्हाट द स्टेक सेड व्हेन ही सो हिज रिफ्लेक्शन, अपना रिफ्लेक्शन देख के उसने क्या कहा। तो इसका आंसर है यहाँ पर, देखिए यहाँ पे, यहाँ से लेके यहाँ तक पूरा है, यहाँ से यहाँ तक, हाउ हैंडसम आई लुक ही सेड टू हिमसेल्फ, हाउ ब्यूटिफुल आर दिस कर्विंग एंटलर, हाउ दे एड टू माई ब्यूटी, हाउ ग्रेसफुल दे लुक, देन ही मूव नियरर एंड सो हिज लेग रिफ्लेक्टेड इन द पूल, ही वॉज क्वाइट डिस्कस्ड, लुक एट माई लेग,
ओह दे आर सो अगली, ऑल स्पिंडली विद स्मॉल फिट, हाउ आई विश दैट नेचर हैड गिवन मी लेग्स वर्थी ऑफ माई स्टेटली एंटलर्स। ठीक है, ये मैंने आपको पहले ही एक्सप्लेन किया हुआ है, तो आप देख लीजिएगा। सेकेंड है, सेकेंड उसने क्या कहा, वॉट द स्टैग सेड एट द एंड, लास्ट में उसने क्या कहा, स्टैग ने आखिर में क्या कहा, देखिए आखिर में उसने क्या कहा स्टैग ने, आई रियलाइज नाउ दैट माई अगली फिट सेव माई लाइफ, आई वॉज सो प्राउड ऑफ दिस हैंडसम एंटलर्स बट दे वुड हैव बीन द कॉज ऑफ माई डेथ। वेरी ऑफन वी डिसलाइक द वेरी थिंग्स दैट आर मोस्ट यूजफुल टू अस। ठीक है, तो ये उसने आखिरी में कहा। उसके बाद क्वेश्चन है, वॉट द ऑक्स सेड टू द डॉग इन द मैंजर, ऑक्स ने क्या कहा डॉग को, डॉग से देखिए यहाँ पे दिया है उसका आंसर, डॉग इफ यू वॉन्टेड टू शेयर माई डिनर विथ मी आई वुड नॉट माइंड इट बट यू नेदर ईट द हे नॉर अलाउ टू मी एंजॉय इट, इट इज ऑफ नो यूज टू यू, देन वाई डोंट यू लेट मी हैव माई फेवरेट फूड, डोंट बिग्रेट अदर्स वॉट यू डोंट इंजॉय योर सेल्फ। ठीक है, तो यहाँ पे इसने ये कहा। उसके बाद फाइंड द स्मॉलर वर्ड्स हिडन इन द फॉलोइंग वर्ड्स, तो इसमें छोटे छोटे वर्ड्स क्या हैं, देखिए फर्स्ट है रिफ्लेक्शंस, रिफ्लेक्शन में आ गया ये वन, ओ एन ई, देखिए यहाँ से ये ओ उठाया एन और यहाँ से ई लिया, इसे मिला के छोटा वर्ड बना वन। सेकेंड है लेट, एक एल ई और यहाँ पे टी दिया है यहाँ पर, तो एल ई टी लेट। फिर फिट, उसके बाद टू, देखिए ये टी है यहाँ पे ओ है टू, ऐसे आप और भी बना सकते हैं। ठीक है, बहुत सारे छोटे छोटे वर्ड्स बना सकते हैं। उसके बाद है डिलाइटेड, डिलाइटेड का यहाँ पे है गेट, हाइट हाइट और लाइट, इसमें आप और भी कुछ जोड़ के बना सकते हैं। ठीक है, उसके बाद है ग्रेसफुल, यहाँ पे आया जेल रेस और आर, और आप ग्रेस भी सिर्फ लिख सकते हैं ऐसे, ओनली ग्रेस। ठीक है, उसके बाद है हंटर, हंटर का आया है यहाँ पे हैन, देखिए एच ई एन मिला के बनाया हैन, टेन टर्न टी यू आर एन टर्न और रन। ठीक है, उसके बाद है थिकेट, थिकेट का हमने बनाया टिकेट, इसमें से सिर्फ एच निकाल दिया। ठीक है, उसके बाद में हिट, एच आई टी हिट और हाइक, ठीक है एच आई के ई हाइक। उसके अलावा आप और भी बना सकते हैं, बहुत सारे वर्ड्स और भी बनेंगे, जैसे टी आई सी के टिक, ठीक है ऐसे भी बना सकते हैं आप। फिर है ग्रोथ, ग्रोथ में आया यहाँ पे टू टी डब्ल्यू ओ मिला के, फिर रो ग्रो थ्रो। ओके, अब यहाँ पे आया डिसलाइक, डिसलाइक में डाई लाई लीड लाइक। अभी आफ्टरनून में आया नेट फैट फुट आफ्टर। ओके, उसके बाद आप नो भी बना सकते हैं, ऑन ये भी लिख सकते, देखिए ओ एन ऑन लिख सकते हैं, एन ओ नो भी लिख सकते हैं। उसके बाद है और आफ्टर भी लिख सकते हैं, ओनली आफ्टर। ओके, ये भी एक वर्ड बनेगा यहाँ पे आफ्टर। उसके बाद है फर्मली, फर्मली में आया फर्म और फिल्म और फर्म, ठीक है फिल्म बना और फर्म बना। उसके बाद आया अपसेट, अपसेट में आप लिख सकते हैं सेट और अप और पैट और पुट। ठीक है, फाइंड सिनोनिम फॉर, सिनोनिम में आएगा डिलाइटेड, डिलाइटेड का सिनोनिम होता हैप्पी जॉयफुल ओवरजॉयड। ठीक है, यानी खुश होना, सिनोनिम यानी आपको सेम वर्ड इसका और दूसरा क्या है वो लिखना है। ब्यूटीफुल का आएगा प्रिटी यानी खूबसूरत, अट्रैक्टिव या फिर प्लेजिंग। ओके, डिसगस्टेड का आएगा रिवॉल्ट रिपेल और सिकन, बाउंडेड का आएगा जम्प होप बाउंस या फिर स्किप, या आप लिख सकते सिनोनिम। उसके बाद फिफ्थ है द स्टैग सॉ हिज रिफ्लेक्शन इन वाटर, नेम एट लीस्ट थ्री थिंग इन विच वन मे सी हिज रिफ्लेक्शन, नेम थ्री थिंग दैट डू नॉट रिफ्लेक्ट एनीथिंग। ठीक है, तीन ऐसी चीजों का नाम बताने जिसमें हम अपना रिफ्लेक्शन यानी कि परछाई देख सकते हैं, और तीन ऐसी चीजों के नाम बताने जिसमें परछाई नहीं दिखाई देती है।
तो ऐसी तीन तीन चीजों के नाम बताने, जैसे यहाँ पे फर्स्ट लिखा थ्री थिंग इन विच वन मे सी अ रिफ्लेक्शन, फर्स्ट मिरर, वाटर, स्टील प्लेट। ठीक है, मिरर में देख सकते हैं, वाटर में भी देख सकते हैं रिफ्लेक्शन, और स्टील की प्लेट में भी देख सकते हैं। और भी अगर आपको कुछ पता है तो आप सोचिए और बताइए कमेंट में कि और कौन सी ऐसी चीज़ है जिसमें हम अपने परछाई को देख सकते हैं। तो फिर उसके बाद है थ्री थिंग दैट डू नॉट रिफ्लेक्ट एनीथिंग। तो ये तो बहुत आसान है, बहुत सारी चीज़ें हैं जैसे कि पेपर, प्लास्टिक, वुड, क्लोथ्स। यहाँ पे मैंने चार चीज़ें लिखी हैं, उसके अलावा भी बहुत चीज़ें हैं जिसमें हम अपना रिफ्लेक्शन नहीं देख सकते। ओके, उसके बाद है क्वेश्चन फाइंड एंड राइट नेम ऑफ 10 कंट्रीज, 10 कंट्री के नाम, 10 देश के नाम बताने हैं। तो फर्स्ट है इंडिया, अफ्रीका, चाइना, अमेरिका, नेपाल, जापान, श्रीलंका, भूटान, ऑस्ट्रेलिया, ब्राज़ील। ठीक है, नेपाल, भूटान, ये सब हमारे पड़ोसी देश है। पाकिस्तान का भी नाम लिख सकते हो आप, श्रीलंका है, वेस्ट बंगाल है। ठीक है, चाइना, ऑस्ट्रेलिया, बहुत ऐसे तो बहुत सारी कंट्रीज है, मैंने 10 कंट्री के नाम लिखे हैं यहाँ पे। उसके बाद है विद द हेल्प ऑफ योर टीचर मेक कलेक्शन ऑफ एडम्स एंड प्रोवर्ब्स, प्रोवर्ब्स यानी कि कहावत। ठीक है, दैट मेंशन बर्ड्स एंड एनिमल, ऐसी कुछ कहावतें या फिर मुहावरे बताओ जिसमें बर्ड्स या एनिमल का जिक्र हो। ठीक है, एग्जाम्पल टू लेट अ कैट आउट ऑफ द बैग या फिर बार्किंग डॉग सेल्डम बाइट। ठीक है, तो ये ऐसे दो कुछ कहावतें इंग्लिश की तो आप लिख सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने दो एनिमल्स के लिखे हैं, दो बर्ड्स के लिखे हैं। तो फर्स्ट है ड्रिंक लाइक अ फिश, सेकेंड है टेक द बुल बाय द हॉर्न, और बर्ड्स में है डोंट काउंट योर चिकन बिफोर द हैच, सेकेंड वॉच समथिंग लाइक अ हॉक। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में जहाँ पे हम पढ़ेंगे रिसेस। ठीक है, तो ये चैप्टर हम पढ़ने वाले हैं, तो इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ओके, बाय, थैंक यू।